अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काफी अरसा हुआ, बल्कि अब तो साल बीतने को आ गए, एक बड़ी अजीब गंदी सी बीमारी ने हमारे पूरे मुआशरे को घेर लिया। बेसिकली ये बीमारी एक एप्लीकेशन है जो कि हम मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, और इस बीमारी का नाम है टिकटॉक। मर्द, औरत, बूढ़ा, जवान, बच्चा, जिसको देखो इस बीमारी की लत में पड़ा हुआ है। सब के सब लोग, आप कभी यकीन जाने, मुझे इत्तफाक हुआ, मेरे कुछ कलीग्स हैं, कुछ साथी हैं, उनके कहने पे मैंने ये एप्लीकेशन डाउनलोड की और मैंने इसको देखना शुरू किया। मैंने बेसिकली इसको रिव्यू करना था, तो इसलिए मैं जब उसको देखना स्टार्ट किया तो एक चीज मैंने जो नोट की वो ये कि हमारी बहनें बेटियां सिर्फ लाइक्स हासिल करने के लिए वल्गैरिटी की हद तक उतर चुकी हैं। उनको ये हया क्या है, तमीज क्या है, मेरे ख्याल से ये तो एक चीज हम अपने मुआशरे में से खो चुके हुए हैं, हया और तमीज। और उसमें एक किरदार शायद ये एप्लीकेशन उसमें प्ले कर रही है। बूढ़ों को देख लें तो बूढ़े भी उसी रास्ते पर लगे हुए हैं, बच्चों को देख लें वो भी लगे हुए हैं। बच्चे फॉलो कर रहे हैं बड़ों को, बड़े फॉलो कर रहे हैं बच्चों को, औरतों को, मिक्स सारा ये एक खिचड़ी सी पक गई हुई है। अब सिलसिला ये है कि कुछ वीडियोस मैंने ऐसी देखी कि जिन पे बाद में लोगों ने कमेंट्स किए जो कि इंतहाई इंतहाई नाजेबा अल्फाज, और जिन खवातीन की पोस्ट्स के ऊपर वो कमेंट्स होते रहे, उन्होंने भी कभी तकलीफ ऐसी नहीं उठाई कि शायद वो कमेंट डिलीट कर दें या दोबारा पोस्ट ना करें या कोई इस तरह का मामला कर लें कि शायद जी ये बहुत बुरी बात है तो हम इसको ना करें, इस चीज से ग्रेस कर लें कि इसकी वजह से हमारी इज्जत पे कोई बात आती है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, मैं अपने गिरदो नवा में पिछले 3 से 4 माह से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि कहीं आप चले जाएं किसी मॉल में शॉपिंग के लिए, लड़के लड़कियां, बूढ़े मर्द औरतें, सब मिक्स आपको मॉल्स के अंदर एक्टिंग्स करते हुए नजर आएंगे। एक्टिंग्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, टिकटॉक की वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, अब उसमें वो किसी की दिल आजारी करें, वो किसी किस्म की वाहियाती करें, अपने बॉडी पार्ट्स को शो करवाएं, कुछ भी करें, वो लाइक्स हासिल करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। इसमें दोस्तों एक तो ये चीज हमारा वक्त जाया कर रही है। हम जो वक्त इस पे स्पेंड कर रहे हैं वो हमारा थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो सकता है। ये याद रखिएगा, आप जो मर्जी कर लें, टिकटॉक के ऊपर जितनी मर्जी वीडियोस बना लें, जो मर्जी कर लें, आपको लाखों नहीं करोड़ों लाइक्स भी आते हो, मुझे सिर्फ इतना बताएं क्या उससे आपको कोई फायदा है? 1 रुपए का भी फायदा है, उससे कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान है। किस बात की मशहूरी है, क्या मशहूर हो जाएंगे आप? आपको कभी भी किसी भी कोई, मेरी जो बहने बेटियां बच्चियां ये जो टिकटॉक पे वीडियोस बनाती हैं लाइक्स हासिल करने के लिए, आप मेरा यकीन करें बच्चों, जब आपकी वीडियोस और ये सारा कुछ कोई आपके एरिया में रहने वाले लड़के, मोहल्ले में रहने वाले लड़के देखते होंगे, आपको अच्छे अल्फाज में याद नहीं करते होंगे बच्चों, आपकी इज्जत कोई नहीं करता होगा। इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है। इस बीमारी से बचें, खुद से जलालत अपने जिम्मे क्यों ले रहे हैं आप? एक चीज से आप बच सकते हैं तो उससे बचें। ये एक बीमारी है, ये जलालत है, ये इज्जत को खत्म करके रख देता है। इससे कोई इज्जत नहीं है, इससे कोई आपको फायदा नहीं है, कोई नफा नहीं है, सिर्फ नुकसान है, सिर्फ नुकसान है। मैं, मेरे लिए आप सब मेरे बच्चों की तरह हो, मेरी बहनें हो, मेरे भाई, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज ट्राई करें कि ये जो बीमारी है इससे अपनी जान छुड़ाएं, और बाकियों को भी रिक्वेस्ट करें, बाकियों को भी समझाएं कि इस चीज के इस्तेमाल से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।